आज हम लोग जो है कक्षा 12वीं की फर्स्ट यूनिट संबंध एवं फलन पर चर्चा करेंगे और उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। कक्षा 12वीं का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें मैं जो सेकंड टॉपिक है फलन उस पर चर्चा करूंगा। ये जो टॉपिक है ये 5 नंबर का है, इसमें जो है 1 नंबर का आपको विकल्प आएगा और 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा जो या तो संबंध से आता है या तो फलन से आता है। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि संबंध क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कक्षा 11वीं में आपने पढ़े भी हैं कि दो सेट यदि हैं, सेट ए ले ले या समुच्चय ए जिसे कहते हैं और समुच्चय बी, समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ जो आपस में संबंध होगा, जैसे अपन देखें यहाँ पे एक सेट लेते हैं ए और दूसरा सेट लेते हैं बी, ये दो सेट है, इसमें नेचुरल नंबर लेते हैं 1, 2, 3 और इसमें लेते हैं ए बी सी। संबंध कैसा, जैसे ए का संबंध ए सी, दो का संबंध बी सी, थ्री का संबंध सी सी। कार्तिक गुणनफल के रूप में इसको हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू, यहां पे क्रमित युग्म बनेंगे इसके, क्रमित युग्म कैसा 1A 2B और 3C। यहां हम कह सकते हैं कि सेट A का जो एलिमेंट 1 है इसका संबंध किससे है, सेट बी के ए से। सेट ए का दूसरा एलिमेंट जो बी 2 है इसका संबंध किससे है, बी से है और 3 का संबंध सी से। ये तो संबंध हुआ। तो ये पिछले टॉपिक में चर्चा हो चुकी है संबंध के बारे में। आज हम जो टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है फलन। फलन जो होता है वह भी जो है संबंध से ही रिलेटेड है, इसीलिए सबसे पहले जो है हमने संबंध पे चर्चा की है। फलन क्या होगा जब दो राशियां x और y इस प्रकार हो कि x के प्रत्येक अवयव की इमेज y में एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त होता हो तो y को x का फलन कहते हैं। परिभाषा, फलन की परिभाषा क्या हुई कि जब दो राशियां x और y इस प्रकार होगी x के प्रत्येक मान के लिए y में एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त होता हो तो y को x का फलन कहते हैं। परिभाषा तो सांकेतिक रूप से सकते इसको अपन लोग f सच दें x टेंड्स टू y, ये सांकेतिक रूप में हम यहां पर लिख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि x के प्रत्येक अवयव की जो इमेज है या चित्र कह सकते हैं उसको, प्रतिचित्र, y में एक निश्चित और अद्वितीय मान होना चाहिए। ये फलन की परिभाषा थी। एग्जांपल से देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a इज इक्वल टू पाई आर, जहां पर r जो है वह नेचुरल नंबर मान है। आर के मान में परिवर्तन करने पर, जैसे आर का मान 1 लेंगे 2 लेंगे 3 लेंगे 4 लेंगे, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका मान हमें निश्चित मान प्राप्त होगा। तो फलन की परिभाषा है कि सेट ए के प्रत्येक अवयव के लिए सेट बी में यदि एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त होता हो तो जो है हम कह सकते हैं कि बी ए के सापेक्ष फलन होगा।
कलम की परिभाषा हो जाएगी। इसको अपन यहाँ लिख भी सकते हैं इस रूप में, दूसरी परिभाषा ऐसा लिख सकते हैं A टेंड्स टू B। इस प्रकार यहाँ पर A एंड B, A इज एलिमेंट ऑफ A और B इज एलिमेंट ऑफ, इस प्रकार से हम बता सकते हैं। और ये दोनों एलिमेंट जो होंगे, क्योंकि यहाँ बताया हमने A और B जो है वह अरिक्त समुच्चय होगा, A और B जो है वो अरिक्त समुच्चय होगा, तो ये जो फलन है इसको परिभाषित करने के लिए हम यहाँ पे डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। दो सेट लेते हैं A और B। परिभाषा क्या है कि सेट A के प्रत्येक अवयव की इमेज सेट B में निश्चित और एक अद्वितीय मान प्राप्त होना चाहिए, तब जो होगा यह परिभाषित होगा फलन के रूप में। इस प्रकार डिनोट करेंगे F, यहां लेते हैं 1, 2, 3 और फिर लेते हैं A, B, C। तो सेट A के प्रत्येक अवयव के लिए A की इमेज क्या प्राप्त हो रही है आपको, A 1 की इमेज क्या प्राप्त हो रही है, A 2 की इमेज क्या प्राप्त हो रही है, B 3 की इमेज क्या प्राप्त हो रही है, C। इस प्रकार से जो है हम यहां फलन को परिभाषित कर सकते हैं। और यहां देखें प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वह सेट B में मिल रही है। इसकी इमेज जिसे देखें यहां पर 1 की इमेज ये है, 2 की इमेज B है और 3 की इमेज C है, तो यहां पर ये फलन को डिफाइन करता है। अब जो है हम यहां पे देखेंगे कि फलन जब लिए तो फलन जो है उसमें आगे हम लोग तीन चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला होता है प्रांत, किसे कहते हैं बताना पड़ेगा। दूसरा सहप्रांत, जिसको कोडोमेन कहते हैं। और तीसरा होता है रेंज, जिसको परिसर कहते हैं। तो डोमेन किसे कहेंगे या प्रांत किसे कहेंगे, फलन तो परिभाषित हो गया, फलन की परिभाषा बताया मैंने आपको कि A और B दो अरिक्त समुच्चय है, सेट A के प्रत्येक अवयव की यदि अलग अलग इमेज सेट B में एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त होता हो तो उसे हम फलन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। फलन जब पढ़ लेते हैं तो फलन के बाद जो है हम लोग तीन चीजों का अध्ययन करेंगे। पहला है प्रांत, दूसरा है सहप्रांत और तीसरा है रेंज। तो प्रांत किसे कहेंगे या इसको हम लोग डोमेन भी कहेंगे, किसे कहेंगे? तो प्रांत, परिसर या डोमेन और रेंज, इन तीनों के लिए फलन परिभाषित होना चाहिए। तो हमें आप दो सेट लेते हैं, सेट A और सेट B। सेट A के एलिमेंट लेते हैं 1, 2, 3, 4 और सेट B के एलिमेंट लेते हैं A, B, C, D, E। पक्के हो गया सेट B हो गया, तो डोमेन हम किसे कहेंगे? तो इसको फलन के रूप में परिभाषित कर दिए। यहाँ पर सेट A के जो अवयव है वो 1, 2, 3, 4 और सेट B के जो अवयव है वो A, B, C, D, E एलिमेंट के लिए अपन ने। तो फलन की परिभाषा है कि सेट A के प्रत्येक अवयव की इमेज या इसका प्रतिचित्र सेट B में एक निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए, ये परिभाषा है। तो परिभाषा को लेकर ही हम बताना चाहेंगे यहाँ पे कि डोमेन क्या होता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज होता है कि डोमेन है क्या या प्रांत क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि जो सेट A है उसके जो सभी अवयव हैं वो डोमेन कहलाएंगे। तो डोमेन अगर देखें अपन लोग तो डोमेन क्या होगा या प्रांत जो होगा सेट A के सभी अवयव,
क्या क्या वर्ड डोमेन, वन टू थ्री फोर, ये कहलाएगा डोमेन। सेट ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। इसी प्रकार ओडोमेन देखें हम लोग, या सह प्रांत बोलते हैं इसको, इसको सह प्रांत भी कहते हैं। सह प्रांत की क्या डेफिनेशन है कि सेट बी के सभी अवयव, सेट बी में उपस्थित सभी अवयव वह कहलाएंगे कोडोमेन। क्या क्या होंगे देखिए कोडोमेन के एलिमेंट, यहाँ पे हम एक दो एग्जाम्पल और लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। दो एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात आपको। क्या क्या होगा देखो जरा, ए बी सी डी और ई, ये जो एलिमेंट होंगे वो कहलाएंगे कोडोमेन। यानी सेट बी के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। सेट ए के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। अब तीसरी बात है रेंज, परिसर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो परिसर के लिए हमको फलन की परिभाषा जो है यहां पर लाना पड़ेगा कि सेट ए के सभी अवयवों के लिए, सेट बी में अलग अलग अवयवों के लिए, सेट बी में हमें एक निश्चित मान प्राप्त होता हो। तो जो निश्चित मान प्राप्त होगा वह कहलाएगी रेंज। कैसे देखे यहां पर जरा, जैसे ए का जो संबंध है किससे, वन का संबंध किससे है, वन जैसे देखिए यहां पर वन किससे रिलेटेड है, सेट बी के अवयव ए से। टू किससे रिलेटेड है, टू की जो इमेज है क्या बन रही है सेट बी में, बी है। तीन की इमेज क्या है, सी है। चार की इमेज क्या है, डी है। तो यहां पर देखे हम लोग क्रमित गुणनफल ए क्रॉस बी ले सकते हैं इसको, इज इक्वल टू क्या होगा देखो, वन की इमेज, वन का क्या संबंध है ए आया यहां पर वन ए, टू से क्या हुआ रिलेटेड टू से बी, थ्री क्या होगा थ्री का सी, फोर किससे संबंधित है फोर डी से संबंधित है, तो है नहीं है उससे उतना मतलब भी नहीं है। तो अब यहां पे देखें रेंज क्या होगी भाई, जो सेट ए के अवयवों के साथ जिसकी इमेज बनती हो वो रेंज कहलाएगा। तो अब रेंज क्या होगा यहां पे देखें जरा, हम लोग परिसर बोलते हैं जिसको हम लोग, परिसर क्या होगा बताइए जरा, परिसर क्या होगा बोलो, ए बी सी और डी, ये कहलाएगा परिसर, यह कहलाएगा परिसर कहलाएगा। तो बात क्लियर हो रही है, देखिए सेट ए के जिन अवयवों की इमेज सेट बी में मिलती हो वह कहलाता है रेंज कहलाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, तो बात क्लियर हुई यहां पे कि रेंज क्या होगा, जो इमेज बनेगी वही रेंज होगी उसकी। तो यहां पर अगर देखें ये जो सेकंड है, जो क्रमित युग्म लिए ऑर्डर ऑफ पेयर लिए, तो जो सेकंड होगा ये ए बी सी और डी दिए गए फलन की रेंज। एक एग्जांपल और लेते हैं, बात क्लियर हो जाएगी आपको। एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पर लेते हैं x इज ए फॉर ऑल, x इज एलिमेंट ऑफ, अब यहां पर x के मान लेते हैं अलग अलग, x इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव, सेट a लेते हैं हम लोग। क्या एग्जांपल लेते चलेंगे तो आपको हर बात क्लियर होती चलेगी, क्योंकि जब तक आपको फलन की परिभाषा डिफाइन क्लियर ना हो, फलन में रेंज क्या होता है पता क्लियर ना हो, डोमेन किसे कहते हैं पता ना हो, कोडोमेन क्या होगा, ये बात पहले क्लियर हो जाना चाहिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि कोई फलन की रेंज क्या होगी, डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये है फलन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स के वैल्यू रखते देखिए जरा यहाँ पे सेट ए जो है और ये सेट बी होगा, तो यहाँ बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि x का वैल्यू रखते वन, तो वन रखेंगे तो क्या आएगा देखिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पे f वन लेते हैं तो वन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा वन ही आएगा,
या वन लिए तो क्या वैल्यू प्राप्त होगा, वन। f इज इक्वल टू टू लेते हैं, x इज इक्वल टू टू लेते हैं तो क्या होगा, टू का स्क्वायर क्या मिलेगा, फोर। टू का स्क्वायर क्या मिलेगा, फोर। टू लेते हैं यहाँ पे तो टू का स्क्वायर क्या होगा, वन का वन हो गया, टू का स्क्वायर क्या हो गया, फोर। थ्री लेते हैं, देखिए अब थ्री का स्क्वायर क्या होता है बोलिए, नौ। थ्री का स्क्वायर क्या होता है, नाइन, नौ हो गए। फोर लेते हैं तो फोर का स्क्वायर क्या होगा, सिक्सटीन, सोलह। और फाइव लेते हैं, फाइव का स्क्वायर क्या होता है, ट्वेंटी फाइव। अब यहां पे हमको देखना है कि डोमेन क्या होगा, वो डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होता है। तो डोमेन क्या होगा, देखिए अब यहां पे अगर देखें तो सेट ए के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, डोमेन। तो डोमेन क्या क्या होगा, देखो जरा अभी यहां पे डोमेन क्या होगा, वन टू थ्री फोर और फाइव, ये क्या कहलाएंगे, डोमेन। कोडोमेन या सहप्रांत क्या होगा, देखो जरा कोडोमेन, कोडोमेन हो जाएगा वन फोर नाइन सिक्सटीन और ट्वेंटी फाइव। और इसका परिसर क्या होगा, परिसर के लिए मैंने बताया आपको कि सेट ए के प्रत्येक अवयव की अलग अलग इमेज जो सेट बी में प्राप्त होती है उसको बोलते हैं अपन रेंज। तो कौन कौन सी इमेज प्राप्त हुई, वन की इमेज क्या प्राप्त हुई आपको, वन। टू की इमेज क्या प्राप्त हुई आपको, फोर। थ्री की इमेज क्या प्राप्त हुई आपको, नाइन। फोर की इमेज क्या प्राप्त हुई आपको, सिक्सटीन। और फाइव की इमेज क्या प्राप्त हुई आपको, ट्वेंटी फाइव। इस प्रकार से हम यहाँ देख सकते हैं कि एक एग्जांपल है, एग्जांपल से हम सब देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग जिससे और स्पष्ट हो जाएगा कि जो एग्जांपल लेते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि फलन है कि नहीं, हम कैसे निर्धारित करें कि फलन है कि नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, उससे डिफाइन हो जाएगा। ये तो बात क्लियर हो गई आपको कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है और उसकी रेंज क्या होती है। तो अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो इससे और स्पष्ट हो जाएगा कि ये फलन है क्या नहीं, इसकी डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी। उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, ए क्रॉस बी एक एग्जाम्पल है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसे क्रमित गुणनफल देखें, टू वन थ्री वन फोर टू एग्जाम्पल है। इससे अपन को बताना है कि संबंध फलन है या नहीं, या दिया गया संबंध फलन है या नहीं, साथ ही यहाँ पर इसमें कोडोमेन डोमेन और रेंज भी निकालेंगे अपन लोग, तो इसमें पूरा स्पष्ट हो जाएगा आपको। दूसरा एग्जांपल है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 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 फोर थ्री फोर और फोर फोर। और तीसरा एग्जाम्पल एक है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन। अब देखते हैं यहां पे, इसके लिए देखें पहले
नंबर वन को पहले देखते हैं कि यह दिया गया सम्मान फलन है कि नहीं, तो सेट ए के एलिमेंट क्या होंगे भाई, 2 3 4 2 3 4, सेट बी के एलिमेंट क्या होंगे 1 और 2, सेट बी। अब संबंध बनाएंगे कैसे इसका, 2 से किसका संबंध है 1 का, 3 का किससे संबंध है 1 का, और 4 का किससे संबंध है 2। तो हम यहां परिभाषा देखते हैं फलन की, कि सेट ए के अलग अलग अवयव है, प्रत्येक अवयव की इमेज सेट बी मिलना चाहिए, मिल रही है, यह क्या है फलन है, फलन है। इसकी अब आप बता सकते हैं डोमेन क्या होगा, बताइए जरा इस सेट के डोमेन क्या होंगे, 1 3 2 3 4 2 3 4 डोमेन हो जाएंगे। उसके बाद कोडोमेन क्या होगा इसका, कोडोमेन क्या होगा बोलिए, वह जो है रेंज कहलाएगी, रेंज भी वही होगी 1 और 2। तो यहां पर एक बात आ रही कि रेंज होगा वह उपसमुच्चय होगा किसका, प्रांत का, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज जो होगी वह सबसेट किसकी होगी, कोडोमेन की। और यदि कोडोमेन ऐसा भी हो सकता है कि जो रेंज है और कोडोमेन के जो अवयव वह समान हो, रेंज और कोडोमेन के अवयव क्या हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। और एक स्थिति और लेंगे जिसमें कोडोमेन के अवयव अलग होंगे और रेंज अलग होगी, तो पर यहां यह स्पष्ट नियम है कि रेंज जो होगी वह सबसेट होगी कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, नियम है। तो ये जो नियम हमने ए क्रॉस बी इसमें बता दिए कि ये दिया गया जो अरिक्त समुच्चय ए और बी है क्या है, संबंध इसमें फलन है, डोमेन भी निकाल लिया आपने, कोडोमेन निकाल लिया और रेंज भी निकाल लिया। दूसरा देखें जरा, दूसरे में चर्चा करते उदाहरण नंबर 2 पे, ये दिया गया संबंध फलन है क्या नहीं, ये ए क्रॉस बी, ए और बी, ए सेट हो गया बी, एक अवय हो गया 2, फिर ये क्या होगा 2 की यहां इमेज है 2, तो लिख लेते हैं 2, फिर ये 4, बस 2 और 4 ही है, अब यहां 3 और ये 4। अब देखिए 2 की इमेज क्या है, 2 है, फिर 2 की इमेज क्या है 4 है, फिर 3 की इमेज क्या है 4 है, और 4 की इमेज क्या है 4 है। आप बताइए कि ये फलन है या नहीं। हमने परिभाषा बताया आपको कि सेट ए के अलग अलग अवयव की जो इमेज है सेट बी में एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त होना चाहिए। अब यहां देखिए ये जो एलिमेंट है 2, एक ही अवयव की 2 इमेज दिख रही है यहां, जबकि ये परिभाषा के विपरीत है, इसलिए ये देखिए यहां 2 का इमेज 2 प्राप्त हो रहा है और 2 की इमेज 4 प्राप्त हो रही है, और 2 इमेज प्राप्त नहीं होना चाहिए। 2 एक सेट ए के एक अवयव की 2 इमेज सेट बी में प्राप्त नहीं होना चाहिए, यदि 2 इमेज प्राप्त होती है तो यह संबंध फलन नहीं, तो यह जो संबंध फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। बात क्लियर है, क्यों फलन नहीं है, क्योंकि सेट ए के एक ही अवयव की यहां इमेज जो है सेट बी में हमको 2 प्राप्त हो रही है, इसलिए सेट ए और बी के बीच जो संबंध है वो फलन नहीं। बात क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए तीसरा, तीसरा क्या है भाई, ए क्रॉस बी में देखें यहां पे सेट ए लिए, सेट बी लिए, सेट ए और बी इसमें संबंध है, इसकी देखिए क्या क्या है, सेट ए की इमेज 1 2 3 4 5 और 6, इसकी इमेज क्या है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और 8।
सेट बी के एलिमेंट है, लेकिन अब देखिए संबंध यहाँ कार्तिक गुणनफल है तो बना लिया मैंने संबंध। देखिए यहाँ पे एक का दूसरा संबंध है, दो का किसे संबंध है, तीन से है, तीन का चार से है, चार का पांच से है, पांच का छह से और छह का सात से। तो आप देखिए क्या यह फलन होगा कि नहीं, संबंध दिया गया संबंध फलन है क्या नहीं, तो फलन है। क्यों? क्योंकि परिभाषा से स्पष्ट है कि ए के प्रत्येक अवयव की जो इमेज है सेट बी में हमको अलग अलग और एक निश्चित मान प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ मान प्राप्त हो रहा है, देखिए कि यह दिया गया जो संबंध है एक फलन है, एक फलन है, यह अपन ले सकते हैं ए क्रॉस बी एक फलन है। अब इसकी बताइए आप जरा डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी और कोडोमेन क्या होगी, तीनों चीज स्पष्ट हो जाएगी यहां से। तो सेट ए के सभी अवयव क्या कहलाते हैं भाई, बोलिए, सेट ए के सभी अवयव कहलाते हैं डोमेन। तो कौन कौन से अवयव होंगे डोमेन बताओ, आप डोमेन बताइए कौन कौन से अवयव होंगे सेट ए के सभी अवयव, सम्मिलित सभी अवयव क्या क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 ये सभी क्या होंगे डोमेन होंगे। सेट बी के एलिमेंट क्या कहलाते हैं सभी अवयव, को डोमेन होंगे, सहप्रांत बोलते हैं इसको, को डोमेन। क्या क्या हमने को डोमेन बताइए अब आप, 2 3 4 5 6 7 और 8 ये को डोमेन के अवयव हो गए। अब रेंज या परिसर क्या होगी, उसकी परिभाषा ही रेंज की, सेट ए के अलग अलग अवयव की जो इमेज सेट बी में प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज कहते हैं या परिसर कहते हैं। तो रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी, देखिए अब यहां से स्पष्ट हो जाता है, ये जो हमने बताए हैं क्रमित युग में स्पेस पर जो इसका संबंध है 2 3 4 5 6 7 और यहां समझ नहीं आ रहा था, यहां देखिए इसकी जो इमेज है 1 की इमेज क्या है 2, 2 की इमेज क्या है 3, 3 की इमेज क्या है 4, 4 की इमेज क्या है 5, 5 की इमेज क्या है 6 और 6 की इमेज क्या है 7, 8 इमेज नहीं है तो वो रेंज में शामिल नहीं होगा। तो क्या क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 और 7 ये रेंज होगी इसकी, 8 सम्मिलित है क्या, नहीं है तो रेंज नहीं होगा, कोडोमेन का भी होगा लेकिन रेंज नहीं होगा। तो यहां पर हमें लगता है कि आपको जो है फलन की परिभाषा भी स्पष्ट हो गई, डोमेन भी स्पष्ट हो गया, कोडोमेन भी स्पष्ट हो गया और रेंज भी स्पष्ट हो गया, हमें ऐसा प्रतीत होता है। अब आप लोग जो है घर में जाके प्रैक्टिस करेंगे, पुस्तक से कुछ प्रश्न लेंगे और उसको हल करेंगे तो आप जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि फलन की परिभाषा क्या होती है, डोमेन क्या होता है, वो डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज किस प्रकार से निकालना है। ठीक है, आगे हम लोग टॉपिक चलते हैं, हम प्रतिचित्रण के प्रकार दूसरा टॉपिक लेते हैं यहाँ से, प्रतिचित्रण के प्रकार फलन का ही दूसरा टॉपिक है प्रतिचित्रण के प्रकार। तो प्रतिचित्रण के प्रकार में जो है जब तक आप फलन डोमेन कोडोमेन और रेंज को नहीं समझेंगे तब तक ये जो प्रतिचित्रण या मैपिंग जिसको कहते हैं ये आपको समझ नहीं आएगी। तो पहले हम लोग सरलता से लेते हैं जो मैपिंग है इसको, 9 भागों में डिवाइड किया हूँ, 9 प्रकार है इसके, तो जो मुख्य मुख्य आपके कोर्स की वो बताने कोशिश करेंगे और समय रहेगा तो पूरी बता देंगे आपको। ठीक है, तो पहली जो मैपिंग है जिसको कहते हैं हम लोग एके की या 1-1 मैपिंग कहते हैं, एके की प्रतिचित्रण या 1-1 मैपिंग कहते हैं, एके की प्रतिचित्रण या इसको कहते हैं हम लोग
इसकी परिभाषा क्या है भाई? परिभाषा है क्या, यदि किसी प्रतिचित्रण में, यदि किसी प्रतिचित्रण में सेट ए के प्रत्येक अवयव की इमेज सेट बी में एक निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त होता हो, सेट ए यहां देखिए अपन लोग एफ सच दे ए टेंस टू बी, अब जैसे वन वन मैपिंग है तो सेट ए के प्रत्येक अवयव की इमेज यानी सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो सेट ए के प्रत्येक अवयव क्या ले लिया अपन लोग 1 2 3 4, और सेट बी क्या ले ले ए बी सी और डी, तो सेट ए के प्रत्येक अवयव की इमेज अगर सेट बी में प्राप्त होती हो, ये इसका, या इसको अपन अगर लिखना चाहे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या है, 1 ए 2 की इमेज बी 3 की इमेज सी और 4 की इमेज डी, तो इसको कहते हैं हम लोग वन वन मैपिंग, क्या कहते हैं इसको, वन वन मैपिंग, यानी सेट ए के प्रत्येक अवयव की इमेज या सेट किसी प्रतिचित्रण में सेट ए के प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वह अलग अलग सेट बी में प्राप्त होती हो, इस प्रकार की जो मैपिंग है या प्रतिचित्रण है उसको एकीकी प्रतिचित्रण कहते हैं, उसको इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी जो प्रतिचित्रण है वह है ऑनटू, या इसको आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं, ऑनटू मैपिंग कहते हैं या आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। उसकी परिभाषा जो है दूसरे प्रकार की जो मैपिंग है वह है आच्छादक, आच्छादक प्रतिचित्रण, या इसको ऑन टू भी कहते हैं, ऑन टू मैपिंग। इस प्रतिचित्रण में क्या होता है, आच्छादक प्रतिचित्रण में कोडोमेन के सभी अवयव, कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के अवयवों की इमेज होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोडोमेन का जब सेट बी या कोडोमेन का कोई भी अवयव यहां छूटना नहीं चाहिए, जो इमेज है सभी अवयव होना चाहिए उसमें, यानी एक एक जो अवयव है उसकी इमेज सेट बी में सभी अवयव आना चाहिए, कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, या हम इसको परिभाषित रूप में कह सकते हैं यदि प्रतिचित्रण के सब डोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, यदि कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब हो, तो इसे हम लोग कहते हैं आच्छादक या ऑनटू मैपिंग कहते हैं। कैसे, एग्जाम्पल में हम यहां डिफाइन करेंगे, सेट के अनुसार ही हम डिफाइन कर सकते हैं इसको, हमने क्या बोले कोडोमेन के सभी अवयव, कोडोमेन के सभी अवयव यदि डोमेन के किसी न किसी अवयव की प्रतिबिंब हो, जैसे हम यहां एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग ए बी सी डी ई 1 2 3 4 ए बी सी डी ई और 1 2 3 और 4, अब देखिए आप प्रश्न बनाया है, इसका संबंध इससे और इसका संबंध है, यानी यहां पर सेट ए और बी दो अरिक्त समुच्चय है जिसमें सेट बी के सभी अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव की इमेज है, तब जो है सेट बी और ए के बीच जो संबंध है वह ऑनटू मैपिंग करता है। देखिए कैसे, तो
आर टू लेकिन भी ए का बी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ए की इमेज क्या मिली 1, बी की इमेज क्या मिली 2, सी की इमेज क्या मिली 3, डी की इमेज क्या है 4, और ई की इमेज क्या है 2। यानी यहाँ का कोई भी अवयव छूटा क्या? नहीं छूटा। यानी प्रत्येक अवयव सेट बी का, या कोडोमेन से बोलते हैं हम लोग, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव जो है डोमेन के किसी ना किसी अवयव की इमेज हो, तब जो है हम इसको कहते हैं आच्छादक प्रतिचित्रण या ऑनटू मैपिंग कहते हैं। अब इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि डोमेन क्या होगा 1 ए बी सी डी ई, कोडोमेन क्या होगा भाई 1 2 3 4, कोडोमेन हो गया, और रेंज क्या होगी इसकी 1 2 3 4 रेंज हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आच्छादक प्रतिचित्रण को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। पुनः एक बार डिफिनेशन बोल रहा हूं मैं कि किसी प्रतिचित्रण में कोडोमेन के सभी अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव की इमेज हो तो उसे हम लोग ऑनटू मैपिंग या आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अगली जो मैपिंग है वह है इनटू मैपिंग, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। इनटू मैपिंग अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, या इसको हम लोग कहते हैं इनटू मैपिंग। अब इसकी परिभाषा क्या है भाई? किसी प्रतिचित्रण में कोडोमेन के जब एक या एक से अधिक अवयव डोमेन के अवयव के प्रतिबिंब न हो। अंतरिक्ष परिभाषा क्या होगी कि ऐसा प्रतिचित्रण जिसमें कोडोमेन के एक या एक से अधिक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव डोमेन के अवयव की इमेज ना हो तो उसको कहते हैं अंतःक्षेपी या इनटू प्रतिचित्रण कहते हैं। कैसे? सेट ए और बी दो और एक समुच्चय है, इसके एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, इधर लेते हैं ए बी सी डी ई और एम। इसका संबंध है कि इसका इससे 2 का बी इमेज बी का 3 की इमेज सी और 4 की इमेज डी। अब हमने पहले ही डिफाइन किया कि इनटू मैपिंग में क्या होगा, अंतरछेद प्रतिचित्रण क्या होगा कि किसी प्रतिचित्रण में कोडोमेन के एक या एक से अधिक अवयव जो कि डोमेन के अवयव की इमेज ना हो। अब यहां पे देखो आप लोग कौन कौन से डोमेन के कोडोमेन के अवयव जो इमेज नहीं है वो है ई और एम, ये दो, एक से अधिक बोला मैंने आप, एक या एक से अधिक दो अवयव है जो कि यहां पर डोमेन के अवयवों की इमेज नहीं है, है ना, तो इसको बोलेंगे हम लोग अंतःक्षेपी। यानी जब कोडोमेन में एक या एक से अधिक अवयव डोमेन के अवयवों की इमेज ना हो तो इस प्रकार की जो प्रतिचित्रण है वह कहलाता है अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। अब यहां पर देखें जरा क्या होगा, तो एक और बी इज इक्वल टू निकालो क्या होगा, इसका क्रमिक युग्म क्या होगा 1 का ए, 2 का क्या हो जाएगा भाई बताओ बी, 3 की इमेज क्या बनी सी, 4 की क्या बनी डी, ई है क्या नहीं है, एफ है क्या नहीं है, नहीं है। यानी यहां पर कोडोमेन के एक या एक से अधिक अवयव जो है वह शामिल नहीं होना चाहिए, इसके अवयव की इमेज नहीं होना चाहिए। तब यहां देखिए आप डोमेन क्या होगा, सेट ए के डोमेन का क्या होगा बताओ आप, डोमेन से जो संबंध है या अंतःक्षेपी जो प्रतिचित्रण में डोमेन क्या होगा बताइए जरा, 1 2 3 4 डोमेन हो गया, 1 2 3 और 4 डोमेन है,
कोडोमेन क्या होगा बताइए जरा, कोडोमेन क्या होगा? ये हो जाएगा कोडोमेन, यानी सभी अवयव सेट बी के, ए बी सी डी ई और एफ। अब रेंज की बात करें, रेंज या परिसर क्या होगा देखो, रेंज की परिभाषा ही है, क्या परिभाषा है भाई, कि डोमेन के भिन्न भिन्न अवयव की इमेज यहां पर निश्चित और अद्वितीय मान प्राप्त हो, वो रेंज कहलाती है। तो कौन कौन सी इमेज बनी बताओ, ए बी सी और डी, ये क्या कहलाएगी, इसकी रेंज। इसीलिए मैंने बीच में बोला था कि जो रेंज होगा वह सबसेट है किसका, कोडोमेन का। तो हम लिख सकते हैं यहां पर देखिए, रेंज इज ए सबसेट ऑफ, ये यहां पर जो बात मैंने बोली थी वो फुलफिल भी हो रही है, कि जो रेंज है ए बी सी डी जो है यह समुच्चय हो गया किसके, कोडोमेन के। सब अंतरक्षेपी के बाद आगे चलते हैं, दूसरी मैट्रिक्स जो चलते हैं, चौथी मैट्रिक्स जो हैं वन वन ऑन टू, वन वन चौथी प्रकार का जो है, चौथा प्रकार जो है वह है वन वन ऑन टू मैट्रिक्स। वन वन ऑन टू मैपिंग, या इसको एक एक की आच्छादक भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, एक एक की आच्छादक। अब इसको समझेंगे, दो सेट लेते हैं ए और बी, इसमें दो मैपिंग को यहां पर संयोजित किया गया है, वन वन और ऑन टू, ए बी सी डी वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, अब यहां पे देखिए ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, कैसे, ऑन टू प्रॉब्लम बताया था मैंने आपको कि सेट बी या कोडोमेन में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, तो इस प्रकार की जो मैपिंग कहलाएगी ये कहलाएगी कौन सी, वन वन ऑन टू प्रतिचित्रण, यानी किसी प्रतिचित्रण में सेट ए के और बी, सेट बी के अवयव के बीच में जो संबंध है, यहां पर वन वन भी दिखा रहा है आपको और ऑन टू भी दिखा रहा है, इसी प्रकार की जो मैपिंग है वह कहलाती है वन वन ऑन टू मैपिंग। यहां पर जो है ऑन टू बताया मैंने कि सेट बी का कोई भी अवयव यहां छूटना नहीं चाहिए, यानी सेट बी का प्रत्येक अवयव जो है वह सेट ए के अवयव की इमेज होना चाहिए, और सेट ए के प्रत्येक अवयव की जो इमेज है वह सेट बी में होना चाहिए, तो ये वन वन ऑन टू मैपिंग कहलाती है। अगली जो मैपिंग है उसको देखे अपन लोग, वन वन इंटू मैपिंग, अब तो मैपिंग है थोड़ा साइड में चलते हैं, वन वन इंटू, वन वन इंटू, या इसको बोलेंगे एक ही की अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, एक एक की अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण, वन वन इंटू मैपिंग। वन वन इंटू मैपिंग में क्या होगा भाई, इंटू है तो आपके दिमाग में बात जाना चाहिए, इंटू है मतलब सेट बी या कोडोमेन के एक या एक से अधिक अवयव जो हैं वह डोमेन के अवयवों की इमेज नहीं होगी, ये बात बिल्कुल दिमाग में जाना चाहिए। इसलिए मैंने पहले बताया आपको वन वन, उसके बाद बताया ऑन टू, उसके बाद बताया इन टू, ये तीन मैपिंग ही मेन है, इसके बाद सब जो मैपिंग है वो संयुक्त होती चलती है। जैसे देखो वन वन इंटू मैपिंग जैसे है, तो वन वन इंटू मैपिंग जो होगी उसमें क्या होगा, देखो सेट ए लेते हैं,
सेट ए इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 4 और सेट बी लेते हैं, इसमें लेते हैं सेट बी, ये हो जाएगी ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई और एफ। सेट ए, सेट बी, सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से देखिए जरा, 1 2 3 और 4। सेट बी के एलिमेंट क्या है, ए बी सी डी ई और एफ, इसका संबंध इससे, दो का संबंध बी से, तीन का संबंध सी से, चार का डी से। तो 1 1 इनटू मैपिंग कैसे भी देखिए, अब इनटू मैपिंग के बताया था मैंने आपको कि सेट बी में एक या एक से अधिक अवयव की इमेज, जो एक या एक से अधिक अवयव जो होंगे वह सेट ए के किसी अवयव की इमेज नहीं होगी, और 1 1 भी है, तो इसलिए जो ये मैपिंग कहलाएगी वह कहलाएगी 1 1 इनटू मैपिंग कहलाएगी। देखे यहां पर अब इसके डोमेन क्या क्या होंगे भाई, डोमेन क्या होगा देखो जरा, यहां पर इसको ले सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्रमित रूप बनेंगे 1A 2B 3C 4D, ये क्रमित रूप बन गए। अब आप बता सकते हैं कि डोमेन क्या होंगे भाई, डोमेन क्या होंगे बोलिए, 1 2 3 4 ये डोमेन, कोडोमेन क्या होंगे सेट बी के सभी अवयव ए बी सी डी ई और एफ, और रेंज, रेंज हो जाएगी ए बी सी और डी। तो ये जो मैपिंग है वह कहलाएगी 1 1 इनटू मैपिंग। अगली मैपिंग जो है वह है मेनी वन मैपिंग, बहु एक प्रतिचित्रण बोलते हैं इसको, मेनी वन। मेनी वन मैपिंग मेनी वन बहु एक प्रतिचित्रण, बहु एक चित्रण। यहां पे टॉपिक से ही स्पष्ट है, मेनी वन ऐसा प्रतिचित्रण जिसमें किसी डोमेन के एक अवयव की इमेज है ना, कौन सी, मेनी वन। मेनी वन क्या है कि बहु एक प्रतिचित्रण जो है उसमें यदि किसी प्रतिचित्रण में दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव, यानी ऐसा प्रतिचित्रण जिसमें दो या दो से अधिक अवयव की इमेज एक ही हो उसको कहते हैं हम लोग बहु एक प्रतिचित्रण। यदि किसी प्रतिचित्रण में दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक ही प्राप्त होता हो, कैसे, दो या दो से अधिक अवयव का इमेज एक ही प्राप्त होती हो, यहां देखे 1 2 सेट ए ले ले 1 2 3 4 और यहां ले ले ए बी सी, तो 1 की इमेज 1 आई, 2 की बी, 3 की बी और 4 की सी, यानी जब दो या दो से अधिक अवयव की इमेज, दो या दो से अधिक अवयव की इमेज क्या प्राप्त होती हो, एक ही प्राप्त होती थी। यहां पे देखिए 2 और 3 की इमेज क्या प्राप्त हुई आपको, बी। इसलिए इस प्रकार की जो मैपिंग है वह कहलाती है बहु एक प्रतिचित्रण, क्या कहलाती है, बहु एक प्रतिचित्रण। अगली जो मैपिंग है वह है अचर प्रतिचित्रण या कॉन्स्टेंट मैपिंग कहते हैं उसको, या इसको कहते हैं अचर
ऐसा प्रतिचित्रण जिसमें डोमेन के बहुत सारे अवयव की इमेज को डोमेन में एक ही अवयव प्राप्त होता हो। क्या ऐसा प्रतिचित्रण जिसमें डोमेन के समस्त अवयव का प्रतिबिंब को डोमेन में एक ही अवयव प्राप्त होता हो, इस प्रकार की जो मैपिंग है वह कहलाती है अचर। सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए बता रहा हूं मैं आपको, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, अचर मैपिंग क्या होगी कि सेट ए के सभी अवयव की इमेज को डोमेन में एक और केवल एक अवयव ही होना चाहिए। उससे राम संबंध की क्या, राम दशा से संबंध है, लक्ष्मण का भी दशा से संबंध है, भरत का भी दशा से संबंध है और शत्रुघ्न का भी दशा से संबंध है। इस प्रकार की जो मैपिंग कहलाती है वह कहलाती है कॉन्स्टेंट या अचर प्रतिचित्र। फलन की परिभाषा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज और फलनों के जो प्रकार है उसका अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद जो है दो फलनों का या फलनों का संयोजन किस प्रकार से करेंगे ये देखते हैं। और जनरली जो क्वेश्चन पेपर आता है बोर्ड का उसमें फलनों के संयोजन से एक प्रश्न बनता है चार नंबर का। तो यहां पर देखिए फलनों का संयोजन क्या है, दो फलन तीन फलन लेंगे अपन लोग यहां पे, तो तीन सेट लेते हैं, एक सेट लेते हैं ए, दूसरा सेट लेते हैं बी और तीसरा सेट लेते हैं सी। ए बी सी फलनों के संयोजन को समझने के लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि संयोजन किस प्रकार से होता है। जैसे यहां पर कोई छात्र है रामलाल, रामलाल जो है कक्षा 12वीं का स्टूडेंट है, उसने बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र हल किए। अब उसकी जो कॉपी जो है, कॉपी में जो है स्टिकर लगा देते हैं और वो कॉपी कहां जाकर चल जाती है, मूल्यांकन केंद्र में। ये मूल्यांकन केंद्र है, मूल्यांकन केंद्र यानी यहां से बोर्ड ऑफिस भी, बोर्ड ऑफिस से मूल्यांकन केंद्र कॉपी चलेगी। मूल्यांकन केंद्र में जो कॉपी को चेक करते शिक्षक, वे कॉपी चेक करेंगे और कॉपी चेक होने के पश्चात इसके जो अंक है वो बोर्ड ऑफिस को पुनः भेज देंगे। बोर्ड ऑफिस जब जाएगी तो बोर्ड ऑफिस में जो है मार्कशीट बनेगी। अब यदि छात्र को अपना रिजल्ट देखना है, छात्र रामलाल को अपना रिजल्ट देखना है, तो उसको मूल्यांकन केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं है। वह सीधा कहां जाएगा, बोर्ड ऑफिस से पता करेगा और बोर्ड ऑफिस उसकी जो मार्कशीट है उसमें उसका रिजल्ट बता देती है। तो यही जो बात है यहां पर फलनों के संयोजन में आती है कि जो रामलाल है या जो सेट ए है उसका संबंध सेट बी से होगा, यानी यहां जैसे एक्स है तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है एफ एक्स, और ये जो है एफ जी और यहां लिखते हैं जेड इज इक्वल टू जी वाई या जी इज इक्वल टू, और ये जो बनेगा संबंध
जो रिजल्ट डायरेक्ट प्रॉपर्स को बोलते हैं जी ऑपरेशन है। दो सेट की परिभाषा क्या है कि एफ सच दे ए टेंस टू बी और जी सच दे बी टेंस टू सी दो फलन है, तब अवयव एक्स बिलोंग्स टू ए तो फलन एफ इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज एलिमेंट ऑफ बी तथा वाई फलन जी में इस प्रकार परिभाषित है कि जेड इज एलिमेंट ऑफ सी तब जेड इज इक्वल टू जी वन और जी इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यहां पर अपन देख सकते हैं कि जी ऑपरेशन एफ ऐसा लिख सकते हैं एफ सच दे ए टेंस टू बी जी सच दे बी टेंस टू सी तब जी ऑपरेशन एफ इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल। इस प्रकार से जो है दो फलनों के या फलनों का संयोजन हम यह बता सकते हैं कि जी ऑपरेशन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जी ऑपरेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑपरेशन जी एक्स। तो इससे संबंधित जो है क्वेश्चन आते हैं भाई दो फलनों के परिणाम के दो फलनों का जो संयोजन है इससे संबंधित आपको प्रश्न आता है। तो अब हम लोग जो है जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं उस पर चर्चा करते हैं प्रश्न कौन सा आता है। तो जो नेक्स्ट ईयर प्रश्न आया था पिछले वर्ष उसको देखते हैं एक फलनों का संयोजन बताते हैं। जो प्रश्न आता है उस पर चर्चा करते हैं कि फलनों के संयोजन प्रश्न क्या आता है। प्रश्न है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, तब फाइंड करना है आपको कौन कौन सा वैल्यू फाइंड करना। देखिए जी ओ एफ एक्स दूसरा एफ ऑपरेशन जी एक्स और तीसरा वैल्यू फाइंड करना है एफ ओ जी एफ ऑपरेशन ये वैल्यू फाइंड। ये पिछले वर्ष भी क्वेश्चन आया था चार अंक का और ये प्रश्न आने की संभावना बहुत है क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि यूनिट जो है पांच नंबर डिवाइड की गई है, एक आएगा विकल्प का प्रश्न और एक आएगा चार अंक का प्रश्न। तो फलन से जनरली क्वेश्चन आते हैं तो चार अंक के प्रश्न कैसे आते हैं देखिए इसको हल करना है अपने को। तो जी ऑपरेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जी यहां दिया है लिखो पहले तो दिया क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस दिया है। तो जी ऑपरेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एफ एक्स होगा यहां पे वैल्यू रखी कभी एफ एक्स की वैल्यू क्या है देखो जरा एक्स स्क्वायर अब जी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू एक्स कितना होगा जी एक्स इक्वल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू हो गया जी ऑपरेशन एफ एक्स। दूसरी बात है फर्स्ट हो गया दूसरा वैल्यू फाइंड करना है आपको एफ ओ जी एक्स क्या होगा एफ जी एक्स जी एक्स का लिखे क्या होगा तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स प्लस थ्री क्या है एक्स प्लस थ्री। अब ये एफ एक्स हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर ये पूरा क्या हुआ
एक्स प्लस थ्री और एक्स दिख रहा है, क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर, किसका वैल्यू हो गया एफ ऑपरेशन डी। और तीसरा वैल्यू फाइंड करना है आपको एफ ऑपरेशन डी टू इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे एफ डी टू। अब देखिए एक्स का मान क्या रखेंगे टू, तो क्या हो जाएगा भाई एफ टू प्लस थ्री। अब टू प्लस थ्री यानी क्या हो गया फाइव। अब ये एफ फाइव एक्स फाइव मतलब क्या हो जाएगा फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर क्या होता बोलिए 25 एफ ओ जी टू इज इक्वल टू। तो ये जो प्रश्न है अरुणों के स्टेटन से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपको, और यहाँ प्रश्न चेंज हो सकते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू जो वैल्यू है दूसरी दी जा सकती है, एफ एक्स की वैल्यू दूसरी दी जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है परीक्षा।